73वें भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर बगीचा रेस्टोरेंट में कार्यक्रम संपन्न। तो आइए देखते हैं बिहार प्रभारी आफताब रोशन की खास रिपोर्ट। बेतिया पश्चिमी चंपारण के बगीचा रेस्टोरेंट के सभागार में 73वें संविधान दिवस के मौके पर सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा। वहीं बगीचा रेस्टोरेंट का प्रोप्राइटर व डिप्टी मेयर प्रत्याशी रविंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहेब का जो विचार था वो विचार सभी से अलग था। जो विकल्प बाबा साहब के पास था वो विकल्प किसी के पास नहीं था। आज जो संविधान बना है इसी संविधान की बदौलत हम और आप सभी टिके हुए हैं। अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाए होते तो हम लोग कहाँ होते, ये बात आप सभी को मालूम है। वहीं CTV 24 न्यूज चैनल के बिहार प्रभारी व स्वतंत्र मीडिया परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष आफताब रोशन ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था कि संविधान कितनी भी अच्छी बना ली जाए लेकिन उसे चलाने वाले लोगों की नीयत अगर अच्छी नहीं होती तो अच्छी संविधान भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। इस बात को हम सभी को समझना होगा और जो बाबा साहेब का सोच था, जो विचार है, उस पर हम सभी को कार्य करना होगा, तभी जाकर बाबा साहब का सपना साकार होगा। डॉक्टर अमानी साहब, तिहत्तरवें भारतीय संविधान दिवस के शुभ अवसर में बाबा भीमराव अंबेडकर के और यहाँ उपस्थित कर्मचारीगण, पदाधिकारीगण, साहित्यकारगण और साथ में देखा जा रहा है कि यहाँ पर उपस्थित समाज सेवी लोग भी उपस्थित हैं। आप सभी के बीच मैं उसी समय से आपके विचार बड़े भाई सुभाष जी का सबने जो आए समझ में आया है कि सच में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अगर जात पात किया होता, किसी को छोटा किसी को बुरा नजर से देखे होते, वो शायद ये संविधान वो नहीं बना। इसी अभी गायक जी जो गाना गा रहे थे उन्होंने एक बात कहा, आप सबको सुने होंगे, गांधी जी सही नहीं इस नज़र में सही नहीं थी। उनकी बात को आप लोग कुछ लोग सुने होंगे तो कितने लोगों को लगा होगा गांधी जी ने देश आजाद कराया, सही हुए थे, लेकिन इनकी बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। कुछ धरातल के जमीन पर उतरे हुए कुछ नेता होते हैं, देखते हैं कि अरबपति खरबपति होते हैं वो लोग, जब जरूरत पड़ती है, जब चुनाव सामने आ जाती है तो वो आपको पैर में छूने लगते हैं, लेकिन वही नेता लोग गांधी जी नेता सभी चुनाव के रणनीतिकार थे, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर रणनीतिकार नहीं थे। वो समाज का एक पुत्र थे, वो समाज को चाहते थे कि समाज के लोग जो आज दंडित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, पीड़ित हैं और उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं मिल रही है, मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाता है, छोटा जात बड़ा जात कहा जा रहा है, इस तुलना को एजुकेटेड पर्सन बाबा भीमराव अंबेडकर अपने दिमाग से सोचते हुए इन्होंने संविधान के लिए सोचा और विचार किया और उन्होंने ऐसा संविधान को तैयार किया जहाँ सब किसी को उच्च स्तरीय कुर्सी मिले, बैठने की हक मिले, बोलने का अधिकार मिले। आज तभी तो देखते हैं कि हरिंदर राम जी हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वीरेंद्र कुमार राम जी हैं DDC हैं, BDO फलाना राम है, हमें खुशी होती है। कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में भी लिखा हुआ है, कुरान और हदीस का मसला बताना चाहता हूँ आपको। हदीस के जो मसले में चले हैं कि हदीस में कहीं जिक्र नहीं है कि तुम जात पात करो, हम सब मनुष्य हैं, इंसान हैं, सब एक भाई हैं, एक समान हैं। तो बाबा साहब ने कुरान का भी बहुत बड़ा ज्ञान रखा और जब सारे किताबों में बाबा साहब ने देखा कि कहीं जात पात तो है ही नहीं, तो फिर ये लोग क्यों जात पात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर संविधान दिया। और उस संविधान पर जब बड़े बड़े नेता लोगों ने देखा, इस बात पर ग्रहण करेंगे कि बाबा साहब एजुकेटेड पर्सन थे, नॉलेज पूर्ण व्यक्ति थे, हर ग्रंथ के बारे में जानकारी थी, हर शब्दों के जानकार थे, मूल्यवान थे, हीरवान थे, तभी तो उन्होंने संविधान को लिखा। पूरे भारत में किसी की औकात नहीं थी, किसी की कलम उतनी दम नहीं थी कि बाबा साहब के संविधान के आगे अपना एक कलम चला। बाबा साहब को मोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का, और बाबा साहब के दिमाग में ये चीज चल रहा था कि जब ऊपर वाला बैठा हुआ है तो सारे संसार को बना रहा है, जब वो ही जात पात नहीं कर रहा है। आप सुनते हो कि हम सभी भाई धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ दो ही जात था, नर और नारी था, क्या आप सहमत हैं? यस, सहमत है ना? बोलिए हाँ। तो नर और नारी, तो एक माता के देश से जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग साढ़ के खड़ा हो गया है, औरत है, क्या औकात है, लेकिन सही मायने में औरत ही आपको जन्म देती है।
बाबा साहब ने संविधान पर एक्ट लगाया कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, हम मर्द होकर एक महिला पर हाथ ना लगाएं। आप जिस महिलाओं को प्रीत करते हैं वो महिला आपकी माँ होती है, अपने अंग से जन्म देती है और आप उसके सामने कहते हैं मर्द। आप ये भी तो सोचिए कि जो जन्म दिए है वो क्या है। तो बाबा साहब ने एक्ट किया, जिस साथियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था आगे वाले बेंच में बैठकर, बाबा साहब ने उसको एक्ट बनाया, कानून लागू किया और आज वही बाबा साहब के कानून पर देश के प्रधानमंत्री अकड़ते हैं, बोलते हैं आज हम सभी भाइयों को तोड़ने में मुड़ने में सिर्फ एक ही सत्य है। आप सब कुछ मनवादी सोच और एजुकेशन का सोच, तो एजुकेशन में जो आता है सब्जेक्ट कि भाई मैं एजुकेटेड हूँ पढ़ा लिखा हूँ, तो आज ये पढ़े लिखे लोगों की ही ये बनाई गई किताब है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप कुछ बताते हैं, जब हम दुबई में थे तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का आप लोग आप देखेंगे दुबई में एक बना हुआ बुर्ज खलीफा, देखे ना, नाम सुने जी। जब हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा था स्वतंत्र मीडिया परिषद के जरिए से, तो जब हम उसमें घूम रहे थे, हम लोग सेल्फी ले रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, हमने देखा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान जो हम लोग जो शपथ लेते हैं वो एक पत्ती में लगाई गई सही। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जो महान थे और उनको अगर हम लोग महान और बना रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन एक चीज का संकल्प ले लीजिए, असल मायने में इस चंपारण इस भारत का सबसे बड़ा अगर पुत्र कोई था तो बाबा साहब। दूसरा समय की अभाव है, सभी भाई लोग आए हैं, अपने अपने मकसद को रखेंगे, विचारों को रखेंगे, ताकि सबसे निकल के आएगी कि आगे हम लोग को कैसे क्या करना है। इसी के साथ नमस्कार, जय भीम, जय भीम। जात पात से ऊपर उठकर संविधान दे, और संविधान पर जब बड़े बड़े नेता लोगों ने देखा अरे ये तो बाबा भीमराव अम्बेडकर आगे बढ़ रहा है, इसका पैर खींचना चाहिए। आप देखते होंगे समाज में कि हम दो भाई हैं और एक भाई आपका घर के बगल में बिल्डिंग बनवा रहा है तो दूसरा भाई उनका शिकायत करना शुरू करता है, ये चुरा कर लाया होगा, कोई धंधा कर रहा होगा, दो नंबर पर काम कर रहा होगा, वो थाना को आवेदन देता है। ठीक हमारे बाबा साहब के साथ यही अत्याचारी किया गया। क्या आप लोग इस बात पर ग्रहण करेंगे कि बाबा साहब एजुकेटेड पर्सन थे, नॉलेज फुल व्यक्ति थे, हर ग्रंथ के बारे में जानकारी थी, हर शब्दों के जानकार थे, मूल्यवान थे, हीरवान थे, तभी तो उन्होंने संविधान को लिखा। पूरे भारत में किसी की औकात नहीं थी, किसी की कलम उतनी दम नहीं थी कि बाबा साहब के संविधान के आगे अपना एक कलम चला। बाबा साहब को मोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का, और बाबा साहब के दिमाग में ये चीज चल रहा था कि जब ऊपर वाला बैठा हुआ है तो सारे संसार को बना रहा है, जब वो ही जात पात नहीं कर रहा है। आप सुनते हो कि हम सभी भाई धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ दो ही जात था, नर और नारी, क्या आप समझ हैं? यस, समझ है ना, बोलिए। हाँ, तो नर और नारी, तो एक माता के देश से जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग साढ़ की तरह खड़ा हो गया है, औरत है क्या होता है, लेकिन सही मायने में औरत ही आपको जन्म देती है। बाबा साहब ने संविधान पर एक्ट लगाया कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, हम मर्द होकर एक महिला पर हाथ ना लगाएं। आप जिस महिलाओं को प्रीत करते हैं वो महिला आपकी माँ होती है, अपने अंग से जन्म देती है और आप उसके सामने कहते हैं मर्द। आप ये भी तो सोचिए कि जो जन्म दिए है वो क्या है। तो बाबा साहब ने एक्ट किया, जिस साथियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था आगे वाले बेंच में बैठकर, बाबा साहब ने उसको एक्ट बनाया, कानून लागू किया और आज वही बाबा साहब के कानून पर देश के प्रधानमंत्री अकड़ते हैं, बोलते हैं आज हम सभी भाइयों को तोड़ने में मुड़ने में सिर्फ एक ही सत्य है। आप सब कुछ मनवादी सोच और एजुकेशन का सोच, तो एजुकेशन में जो आता है सब्जेक्ट कि भाई मैं एजुकेटेड हूँ पढ़ा लिखा हूँ, तो आज ये पढ़े लिखे लोगों की ही ये बनाई गई किताब है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप कुछ बताते हैं, जब हम दुबई में थे तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का आप लोग आप देखेंगे दुबई में एक बना हुआ बुर्ज खलीफा, देखे ना, नाम सुने जी। जब हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा था स्वतंत्र मीडिया परिषद के जरिए से, तो जब हम उसमें घूम रहे थे, हम लोग सेल्फी ले रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, हमने देखा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान जो हम लोग जो शपथ लेते हैं वो एक पत्ती में लगाई गई सही। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर